हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग अगेन। सो व्हाट वी वर डूइंग, वी वर यू नो डिस्कसिंग द ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वन टॉपिक, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लाइन्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं। लाइंस के बारे में हम देखते हैं। देखिए लाइंस क्या होती हैं। लाइंस गाइस, यू कैन टेक दिस इज अ लाइन। ओके, एक चीज आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले कि लाइन पे कोई भी जैसे पॉइंट है ए बी लाइन। देखिए किसी भी पॉइंट से लाइन पास होती है, ठीक है? तो लाइन को हमेशा ऐसे, ये एरोस क्यों लगे रहते हैं लाइन पे, मैं आपको भी समझाऊंगा। जब कभी भी हम लाइन को डिनोट करते हैं तो इस टाइप से डिनोट करते हैं। ये क्या लाइन है? कोई ए बी लाइन है। देखो लाइन को इस टाइप से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि इसकी कुछ की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं लाइन की? प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स, यही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में आपके और ये आपको आने चाहिए। कैसे? जैसे कि लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है बच्चों। लाइन ऐसे चलती है, इस पे इसलिए एरो लगाए जाते हैं कि ये इस तरफ भी कितना बढ़ सकती है, उस तरफ भी ये इनफाइनाइट तक जा सकती है। इस पे कोई पॉइंट ले लिए ए, इस पे कोई पॉइंट ले लिया बी, ठीक है? ये है, ये दो पॉइंट लाइन पे हैं। तो लाइन क्या होती है कि वो हमेशा इनफाइनाइट तक जा सकती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, जैसा कि मैंने यहां आपको बता दिया है। नेक्स्ट मैं आपको चलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि लाइंस एक्चुअली होती कितने टाइप की हैं। वैसे तो बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन जो मेन है वो कैसी हैं, वो दो टाइप हैं, स्ट्रेट लाइंस। क्योंकि ये वाली लाइंस भी अपने आप में बहुत टाइप्स में बटी होती हैं। द सेकंड वन इज कर्व्ड लाइंस, ठीक है गाइस? ये इस टाइप से, ये मेजर क्लासिफिकेशन है। वैसे लाइंस बहुत सारे टाइप्स में होती हैं, मैं आपको बताऊं, ठीक है? तो हम इन दोनों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर है, ये चीज ध्यान रख लेना। देखिए किसी भी लाइन पे अगर कोई लाइन है, उस लाइन पे कोई ऐसी चीज, ये ए है ये बी है, इस टाइप से अगर कोई ऐसे कटा हो कोई सेगमेंट, तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम? सेगमेंट। की यानी ये इस लाइन पे एक सेगमेंट है, ये इतनी दूरी है, ठीक है? बाकी लाइंस क्या है? लाइंस हमेशा इनफाइनाइट तक जाती हैं, लाइंस का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। यहां तक क्लियर है गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्ट्रेट लाइंस तो आप जानते ही कैसे होती हैं। स्ट्रेट लाइन तो ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे, डायरेक्शन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन वो लाइन क्या होगी? स्ट्रेट होगी। वहीं कर्व लाइंस की अगर हम बात करेंगे तो कर्व लाइंस ऐसे होती हैं, ऐसे हो सकती हैं, ठीक है? ये इस टाइप से हम कर्व्ड लाइन बना सकते हैं। अब हम फर्दर, वी विल फर्दर क्लासीफाई कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर, ठीक है? अब हम क्या पढ़ते हैं आगे कि स्ट्रेट लाइन्स और कितने टाइप की होती हैं। तो चलो देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन्स और कितने टाइप की होती हैं। फिर हम देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन्स को फर्दर, सीखते हैं ये कितने टाइप की होती हैं। तो स्ट्रेट लाइन्स में अगर पहली लाइन की हम बात करें, कौन सी लाइन आती है, तो वी कैन से पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स, देखो पैरेलल लाइन्स को हम और ये भी बोल सकते हो समांतर रेखाएं, ठीक? ये भी आप बोल सकते हो हिंदी में समांतर रेखा। देखो हिंदी में तो भी चीजें समझ में आ जाती हैं, इसलिए आप भले ही इंग्लिश में पढ़ते हो लेकिन कोशिश कीजिए कि हिंदी से आप समझ जाएं कि लाइन कहना क्या चाह रही है। समांतर रेखाएं, सम प्लस अंतर, इसका संधि विक्षेप करेंगे तो क्या लिखा रहा है? सम प्लस अंतर, यानी जिसमें समान अंतर हो, वही तो होती है समांतर रेखाएं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब देखो क्या होती है ये, यहां समझ लो, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ये समझो आप, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका मतलब क्या है? जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है? वैसे तो नाम से ही क्लियर है, लेकिन फिर भी ये एक लाइन है, ये लाइन है ए, ये लाइन है बी, ये दो लाइंस हैं। अब इस लाइंस को मतलब आप समझ लीजिए कि समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस क्या होंगी? जैसे मान लो यहाँ पे ये डिस्टेंस है 4 मीटर, तो वहीं कई किलोमीटर जाके इन लाइंस की डिस्टेंस यहाँ क्या होगी? 4 मीटर।
समान अंतर रहेगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस विल ऑलवेज बी इक्वल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा इन दोनों लाइंस का, जो डिस्टेंस होगा इन दोनों लाइंस के बीच में, वो हमेशा क्या होगा, वो इक्वल होगा हर पॉइंट पे। इसीलिए ये तभी पैरेलल लाइंस होंगी। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा, दे नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगी। देखो ये आप यहां तक समझ में आ गया, एक चीज समझ लेना, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी तक भी जाती हैं, इन्फिनिटी तक भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, काट नहीं सकती है कभी। ठीक है गाइस, यहां तक बहुत ध्यान से आप समझ लेना, ये लाइंस आगे जाके कभी भी एक दूसरे को इस टाइप से काट नहीं सकती हैं, क्योंकि इनका डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा, तो ये डिस्टेंस बना रहेगा और ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही जाएंगी, इसलिए इनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके, अब देखो एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ तक बच्चों के लिए, जो सिक्स सेवेंथ के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ तक ये मोर देन सफिशियंट है, वो यहीं तक समझे तो काम चल जाएगा, लेकिन आगे उनको भी पढ़ना है तो अगर वो देखना चाहें तो इसको देखें। देखिए A1x, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो, प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू जीरो, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू जीरो। देखो बच्चों एक चीज ध्यान से देखना, ये क्या है, ये कोफिशियंट्स हैं, A1 A2 इन लाइन पे ये कोफिशियंट्स हैं, A1 A2 B1 B2, ठीक है। अब इसकी क्या कंडीशन होती है, अगर पैरेलल हैं, अगर लाइन पैरेलल हैं, तो इस इक्वेशन का यानी इन लाइंस का नो सॉल्यूशन, कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन, कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सॉल्यूशन, इसका भी देखो, आप देखो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो इसकी कंडीशन होती है क्या, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 कैन नेवर बी इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। अभी आपके ये समझ में नहीं आएगा, मैं बाद में समझाऊंगा आगे चल के जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, बाकी बच्चों को तो सिर्फ इतना समझ लेना है कि जो दो लाइनें इन्फिनिटी तक भी जाती हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, वो कभी एक दूसरे की लाइनों को काटेंगे नहीं इस टाइप से। कैसे चलेंगे, हमेशा ऐसे ही चलेंगे सेम दूरी के साथ, यहाँ डिस्टेंस ए है तो 50 किलोमीटर बाद भी ए ही होगी, यही होती हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है गाइस, ओके, तो आई होप दैट यू हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ व्हाट पैरेलल लाइंस आर, वी विल डिस्कस सम मोर लाइंस इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, सो टिल देन थैंक यू, टेक केयर, ओके।